हेलो जय राम जी की। हम शिवांगी तिवारी आप सभी जनन के बीच में बुंदेलखंड ट्रिपल के माध्यम से एक बार फिर से जुड़े हैं। छतरपुर से बड़ी खबर, एलटीटी ओटी की महिला डॉक्टर 15 नवंबर का बीमार होने के बाद से छुट्टी पे है। कोरोना संक्रमण के चलत पे जिला की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार बिगड़त जा रही हैं। जिला अस्पताल स्थित एलटीटी ओटी कोविड-19 के चलत नवंबर माह में शुरू हो सके। ऑपरेशन हो वो शुरू भई ही हते के कछु दिना बाद ओटी की महिला डॉक्टर बीमार हो गई। तब से ही ऑपरेशन थिएटर में महिलाएं की नसबंदी ऑपरेशन बंद है। जानकारी होने के बाद भी 20 दिन से प्रबंधन अन्य डॉक्टर को इंतजाम नहीं कर सके। शिक्षकन की पहल, कोरोना काल में शिक्षकन ने स्कूल परिसर का बना दो सुंदर गार्डन। गौरीहार जनपद के प्राइमरी स्कूल मुड़हरा के सरकारी शिक्षकन ने करो कोरोना काल में सराहनीय कार्य। कोरोना संक्रमण के चला शासकीय अशासकीय स्कूलन का बंद कर दोगे तो स्कूलन में बच्चा न आवे पे गौरीहार जनपद के मुड़हरा गांव के प्राइमरी स्कूल का शिक्षकन ने दृढ़ इच्छा शक्ति के चलत भाई एक सुंदर गार्डन में तब्दील कर दो। स्कूल परिसर में चारों ओर रंग बिरंगे फूलन के सौंदर्य ने स्कूल की छवि में चार चांद लगा दे। होमगार्ड को 74 को स्थापना दिवस। टीकमगढ़ से बड़ी खबर, कलेक्टर ने करो ध्वजारोहण, उपकरण करेगा प्रदर्शन। प्रदर्शनी में आपदा के समय बचाव संबंध सामग्री और उपकरण प्रदर्शित करे गए। होमगार्ड के 74वें स्थापना दिवस पे रविवार का जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय के मैदान में कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी जी ने यूनिट फ्लैग को ध्वजारोहण करके कार्यक्रम शुरू करो। ध्वजारोहण के बाद कलेक्टर ने परेड की सलामी ली के बाद उन्होंने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के संदेशन को वाचन करो। खाद्य विभाग की कार्यवाही, गंदगी के बीच बन रहे थे मसाला और ब्रेड, दो फैक्ट्री संचालकन का नोटिस भेजे। ब्रेड फैक्ट्री पे जांच करत खाद्य विभाग की टीम। गंदगी बीच गुरु गोविंद सिंह वाज में बन रही थी ब्रेड, भैंसानाका स्थित मसाला फैक्ट्री में छापा गया। सागर क्षेत्र से बड़ी खबर, मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य विभाग की छापामार कार्रवाई जिला में लगातार चल रही है। कोरोना काल एक्सीलेंस स्कूल के 3 विद्यार्थियों ने बनाओ ड्रोन कैमरा, परिसर की निगरानी भी कर। सागर से बड़ी खबर है, कोरोना संक्रमण के दौरान करीब 7 माह तक स्कूल बंद रहने के कारण बचे समय को एक्सीलेंस स्कूल के 3 विद्यार्थियों ने ड्रोन कैमरा तैयार करो। इसकी मदद से पूरे स्कूल परिसर की निगरानी करी जा सके। प्राचार्य आर के वैद्य तथा विज्ञान शिक्षक राजीव तिवारी जी ने बताओ कि पिछले दिन लैब में कार्यशाला को आयोजन करोगे तो रेत को खेल, बस्ती के अंदर से निकल रहे गिट्टी व रेत से ओवरलोड ट्रक, उत्तर प्रदेश होते सप्लाई। बारीगंज से बड़ी खबर है, गौरीहार जनपद के प्रकाश बमहोरी और मुड़हरा गांव में लगी क्रेशरन से निकली गिट्टी और रेत की सप्लाई उत्तर प्रदेश के लाने करी जाती है। ट्रक ओवरलोड होके बालीगढ़ नगर से तेज स्पीड से निकला थे। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण दो पहिया वाहन और पैदल चलने वालों का खतरा बन रहा था। ऐसे कछु खास और फटाफट खबरन के लाने बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ लगातार बने रहे। जय राम जी की।